लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली इलाके में कल उत्कर्ष नाम के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। आज पुलिस ने हत्या आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार किया है। अभियुक्त यश गुप्ता निवासी संकटा देवी को लालपुर बैरियर से तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। एसपी विजय ढुल ने बताया कि दोनों दोस्तों के बीच संयुक्त रूप से खरीदे गए मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर मनमुटाव था। इसके चलते मृतक उत्कर्ष द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उत्कर्ष द्वारा गाली गलौज की गई थी, जिससे झुक्त होकर यश गुप्ता ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक हॉस्पिटल के पास वाले मैदान में घायल अवस्था में वहां पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस द्वारा तत्परता से वहां पहुंचकर उसकी शिनाख्त की गई और उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिवारीजन के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना में जो बात प्रकाश में आई कि मृतक का एक दोस्त यश गुप्ता और मृतक के बीच में एक मोबाइल फोन को लेकर उनके बीच में मनमुटाव था और मृतक द्वारा और एक्यूज्ड जो है उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा भी हो चुका था और कल जो अभियुक्त है उसके द्वारा अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो हत्या का मेन कारण जो मोबाइल फोन है उसके ऊपर दोनों के बीच में मनमुटाव का होना है। मेरे द्वारा जो टीम इसमें गिरफ्तारी में जो टीम ने कार्रवाई की है उसको 10,000 रुपये नकद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। कोई आवाज आएगी तो ये मास्क लगा हुआ है ऊपर से। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।